जी, तो ओ लेवल्स अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है डाउटफुल डेट्स का, और कुछ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का भी पार्ट है इसके अंदर, उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सेल जनरल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल क्रेडिट सेल्स दी नहीं है, सेल्स रिटर्न है वो भी टोटल सेल्स रिटर्न दी नहीं है, क्रेडिट रिसीवेबल है ब्रॉट डाउन, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस दिया हुआ है 1140, जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द स्टार्ट, यानी साल के स्टार्ट में आपके पास इतनी प्रोविजन पहले से पड़ी हुई है 1140 की। नीचे कहता है कैश बुक एक्सट्रैक्ट आपको बताता है कि ट्रेड रिसीवेबल से आपको पैसे कलेक्ट हुए कितने, 3351100 के, और 6500 जो है वो आपका डिस्काउंट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स जो चेक डिसऑनर हुआ है वो 4000 का है, और सेल्स कैश सेल्स भी हुई है कितने की, 17000 की कैश सेल्स। कहता है 900 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वर रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल डेट, देयर वर नो अदर इररिकवरेबल डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। मैं एंट्री पास करता हूँ जी, पहले इसकी बैड डेट्स की, डेट्स कितने हुए हमारे 900 के, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। कितनी अमाउंट है हमारी 900 से, ठीक है जी, 900 से बैड डेट्स डेबिट हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्रेडिट हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी सेट एट 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट 31 जुलाई 2022 की बात कर, यानी इस साल के एंड में जो आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स पर, उसकी परसेंटेज 4% है, बट वी डोंट हैव ट्रेड रिसीवेबल फॉर 2022 अवेलेबल इन द क्वेश्चन, वो नहीं दिए हुए सर, दिए तो हुए हैं। फहद कहता है सर ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं 28500 के, जवाब भाई वो जो ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं वो साल के स्टार्ट के हैं, ओपनिंग है, उस पर आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर सपोज टू पे अस इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड डाउटफुल डेट्स पर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स फिलहाल मौजूद नहीं है। अब अगर आगे चलते हैं, रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, कहते हैं लेजर अकाउंट, सेल्स का अकाउंट हमने बनाना है, मैं बनाता हूँ सेल्स का अकाउंट। बेटा सेल्स का अकाउंट कहाँ बनता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कहाँ बनता है सेल्स का अकाउंट, सेल्स अकाउंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कहाँ बनता है, थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हो आगे, सेल्स लेजर में नहीं बनाता, जनरल लेजर में। सेल्स लेजर में आप बनाते हैं टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर, हर कस्टमर का अलग अलग टी अकाउंट। परचेज लेजर में आप बनाते हैं टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सप्लायर, हर इंडिविजुअल ट्रेड पेबल का टी अकाउंट। और जनरल लेजर में बनाते हैं आप ऑल अदर टी अकाउंट, सारे बनते हैं, सेल्स अकाउंट भी, परचेज अकाउंट भी, रिटर्न इनपुट अकाउंट भी, रिटर्न आउटपुट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, रेंट अकाउंट भी, सारे अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनता क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में बन चुका है, और पर्सनल अकाउंट्स भी नहीं बनते क्योंकि वो भी हम सेल लेजर और परचेज लेजर में बना चुके। नहीं समझ आई, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमने पढ़ी हुई है, हम कैसे बनाते हैं सेल जनरल, उसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, परचेज जनरल में क्रेडिट परचेजेस, रिटर्न इनवर्ट आउटपुट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन जो कैश और बैंक से रिलेटेड होती है, और जनरल जनरल में आती है वो ट्रांजेक्शन जो बाकी किसी में नहीं आती, उसमें एरर्स की ट्रांजेक्शन है, बैड डेट्स की ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन है, ये सब आती है। उसके बाद बनते हैं लेजर्स, लेजर्स तीन किस्म के होते हैं, सेल्स लेजर उसमें बनाते हैं टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर, जिससे चीजें खरीदी हैं आपने, जिसको बेची हैं आपने, उसका टी अकाउंट अलग अलग। परचेज लेजर में टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सप्लायर, जनरल लेजर में बनाते हैं ऑल अदर टी अकाउंट्स, लेकिन उसमें कैश और बैंक का नहीं बनता क्योंकि कैश और बैंक का अकाउंट हम कैश बुक में बना चुके हैं। इसी तरह कस्टमर और सप्लायर का भी नहीं बनता क्योंकि कस्टमर के अकाउंट हम सेल्स लेजर में बना चुके हैं, सप्लायर के अकाउंट हम परचेज लेजर में बना चुके हैं, बाकी सारे अकाउंट उसमें सेल्स अकाउंट भी है। अब देखते हैं कि सेल्स अकाउंट में क्या क्या चीजें बारी आनी है। सेल्स का बेटा देखें सर ओपनिंग बैलेंस, सेल्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्योंकि कोई भी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट के बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होते नहीं है, उनको हम क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट के नाम से और वो वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा तो लाइबिलिटीज के अकाउंट को हम बैलेंस कैरिड से क्लोज करते हैं क्योंकि उनके बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर की जाते हैं। सबसे पहले कैश सेल्स यहाँ आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, सेल्स क्रेडिट हो रही है ना कैश की वजह से, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएंगे क्या भला, क्रेडिट सेल्स वो कितनी है टॉप पे लिखी हुई है आपकी 3,60,000 वो आ जाएंगी, दैट्स इट, इसका टोटल कर देंगे और वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से आप रिकॉर्ड कर लेंगे और वो कितना आ जाएगा आपका 3,70,000
7,000, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने लिखा है कि आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है, देखते हैं। कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड वेयर एप्रोप्रिएट। अच्छा, शो द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अगस्त वेयर एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमें टोटल करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और ऐसे हम क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। इसका बैलेंस नहीं आएगा, इधर आ जाएगा जी आपका 3,77,000, और इधर भी आपका आ जाएगा 3,77,000। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहता है वो। नेक्स्ट में कहता है जी कि आपने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेल्स अकाउंट के बाद आपने बनाना है सेल्स रिटर्न का अकाउंट, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न का अकाउंट हम बनाते हैं, उसको भी हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं, क्योंकि वो भी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेल्स रिटर्न हमारे पास जो दी हुई है वो आपके पास किस साइड पे आ जाएंगी बेटा। सेल्स रिटर्न क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में देखें तो, वो दी हुई है हमें सेल्स रिटर्न जनरल 13,300। यहाँ पे हम आगे चलेंगे, क्या बना रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स 13,300, टोटल रिटर्न्स देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से इसे क्लोज कर लेंगे 13,300, और ये भी हमारा अकाउंट जो है वो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये भी इनकम अकाउंट है, इसको भी हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल क्लोज करेंगे। हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जी, सेल्स अकाउंट बन गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जो आपने बनाना है ये बेसिकली कस्टमर का अकाउंट, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का मतलब है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का मतलब है तमाम कस्टमर्स का इकट्ठा अकाउंट, क्योंकि सवाल में अगर आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल साल के शुरू में दिए हुए इकट्ठे कंबाइन, वी डोंट हैव सेपरेट ट्रेड रिसीवेबल, इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिए हुए, कंबाइन दिए हुए। कितने ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, 28,500। लेट मी प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आई कैन राइट आल्सो। मेरा एक कौन सा अकाउंट है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम भी इसे मैं दे सकता हूँ, कोई बुराई इसमें नहीं है। आते हैं सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट, सवाल उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रेड रिसीवेबल का, 28,600 कहाँ दिया हुआ है, मैं बताता हूँ, ये दिया हुआ है 28,500, सॉरी। ओके, अब मुझे आप बताएं आप इस सवाल डेबिट साइड पर कंट्रोल अकाउंट के और कौन सी चीजें आती हैं, सवाल आप बताओ। कोई और बता दे, डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर राइट सेल्स आती है, चेक डिसऑनर आता है, वो सारी चीजें जिससे आपके ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज करेंगे वो डेबिट पे आती है, जिससे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करेंगे वो क्रेडिट पे आती है। या यूं कहने कि जिस एंट्री से ट्रेड रिसीवेबल, जिस एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो क्रेडिट सेल की एंट्री है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, सारी की सारी आपकी आएंगी। और क्रेडिट सेल्स हमें कितने की दी बेटा, 3,60,000 को मैंने रिकॉर्ड कर दी। सर ये भी तो सेल्स है ना, 17,000 की कैश सेल्स, ये क्यों नहीं आई जी काश। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, कैश सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल्स, उसमें ट्रेड रिसीवेबल इफेक्ट नहीं हो रहे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर यहाँ डेबिट साइड पे आपका क्या आएगा बेटा, चेक डिसऑनर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके चेक डिसऑनर हो रहे हैं, उसने कैश बुक में दिया हुआ है ना, कितने हो रहे हैं 4,000 के, वो भी आपके डेबिट साइड पे आ जाएंगे 4,000 के चेक डिसऑनर। फिर आपका आएगा जी चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, वो कितने हैं 3,351,00, और डिस्काउंट अलाउड भी आपका आएगा चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 3,351,00, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, वो भी इधर वो कितना है 6,500 का। सर आप कहाँ से लिखी जा रहे हैं देख लें, ट्रेड रिसीवेबल मैंने उठाने हैं यहाँ से 28,500 ब्रॉट डाउन, क्रेडिट सेल्स मैंने लिए हैं सेल जनरल के टोटल से 3,60,000, चेक डिसऑनर डेबिट चेक पे आया 4,000 की जो यहाँ पे आया है। सर यहाँ क्रेडिट पे क्यों है, इसकी एंट्री है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैंक, फिर
क्रेडिट, तो देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, और ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रही है बैंक की वजह से। पहले बैंक ने लिखा, मैंने चेक 200 लिख दिया, आप बैंक भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं। फिर चेक रिसीव किया आपने ट्रेड रिसीवेबल से 335100, एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बैंक की वजह से। अकाउंट अलाउड डेबिट हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, वो भी एंट्री हमने वहां पर पोस्ट कर दी। एक चीज मैं भूल गया, क्या भूल गया, सेल्स रिटर्न भी आनी है सर, वो भी हमें देनी है, वो कितनी है 13,300। सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न भी आपकी साइड पे आती है। एक और चीज है आपकी, वो क्या है जी, बैड डेट्स, वो भी आने कितने के 900, दैट्स इट। इसका मैं बेटा कर लूंगा टोटल, टोटल की क्रेडिट साइड डेबिट साइड में से माइनस करूंगा, मेरा कैरी डाउन जो है वो आ जाएगा, तो कितने में क्या आते हैं। जी टोटल कह रहे डेबिट साइड का नाम से, तो जल्दी नहीं इजी ओके। थ्री 9,2,500 मेरा टोटल आ गया जी ट्रेड रिसीवेबल का डेबिट साइड पे, 3,92,500। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा, मेरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स का, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल एंड मेरे पास आ जाएगा 36,700। इस 36,700 पर मुझे प्रीमियम क्रिएट करनी है बेटा, कितने परसेंट, 4%। कितनी आती है, बेसिकली पार्ट सॉरी बेसिकली पार्ट इसका पार्ट नहीं है, ये निकलेगा तो फिर मैं आगे करना था ना, मैंने प्रीमियम निकाली थी ना 4%, क्योंकि 4% प्रीमियम 31 जुलाई में है, आगे पार्ट आएगा, इसका पार्ट नहीं है, आगे यूज होगा इसलिए कर रहा हूँ जी। 1,468 ये प्रवीण आपने कैलकुलेट करनी है, आपको चाहिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट हमने बना लिया, हम आगे चल रहे हैं ना उसे बनाने देखने ये ओके।
अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया अपना, आगे देखते हैं। हाँ सॉरी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखें, देखिए अगर मैं यहाँ पर बैड डेट्स नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पे बैड डेट्स की अकाउंट के अंदर नहीं लिखता, तो फिर जो मेरे ट्रेड रिसीव आएंगे मैं उसमें से 900 माइनस करके प्रीमियम था। लेकिन अब जब मैं बैड डेट्स ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर लिख चुका हूँ, तो उसका मतलब है कि ट्रेड रिसीवल में से वो माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैंने ट्रेड रिसीवल पर डायरेक्टली 4% प्रीमियम निकाल दिया। असल में डायरेक्टली नहीं निकाली, बैड डेट्स माइनस करके ही करना। और दो किस्म के बैड डेट्स होते हैं, एक वो बैड डेट्स जो आपने ट्रेड रिसीवल में से माइनस कर दिए हुए, एक वो जो आपने भी माइनस नहीं किए, जो ट्रायल बैलेंस में लिखे होते हैं बैड डेट्स, वो हम ट्रेड रिसीवल में से सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं। तो आप प्रीमियम निकालते वक्त वो बैड डेट्स ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं करेंगे, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखे होते हैं, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ये बैड डेट्स नॉट रिटन ऑफ, ये वो बैड डेट्स है जो अभी तक आपने, जिसकी एंट्री आपने अभी तक पास नहीं की, जिसको आपने ट्रेड रिसीवल में से भी माइनस नहीं किया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने माइनस कर दिया 900, लिखा है ना क्रेडिट। अगर मैं यहाँ नहीं लिखता, तो जो मेरा कैरी डाउन आता उसमें से बैलेंस माइनस करके सेम ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, वही बता रहा हूँ ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे मैंने अकाउंट बनाना बेटा किसका, बैड डेट्स, उसने कहा है जी जी रिकवरेबल डेट्स, वही लिखे आप, रिकवरेबल डेट्स। वो उसका अकाउंट क्या है, बैड डेट्स हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, डेबिट हो रहे हैं एंट्री में कितने से, 900 से, इसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। क्लोज किससे करेंगे बेटा इसको, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। वाह आसान लग रहा है किसी टीचर ने आपको, बाकी समझा दिया कुछ बड़ा, कोई आपका माशाल्लाह काबिल टीचर था। अच्छा जी, तो 900 जो है वो आपका आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो उसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करेंगे, उसकी बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होते, इनकम स्टेटमेंट में खत्म हो जाते हैं, जम हो जाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस का एक ही एंट्री थी बैलेंस की, वो मैंने पास कर दी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बैलेंस की बात करते हैं, आपने क्या अकाउंट बनाना है जी, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स का बनाते हैं जी, हम प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट देखते हैं कि हम वो किस तरीके से इसको डेवलप करेंगे। प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, इसको बेटा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, इसको प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, तो प्रीमियम फॉर बैड डेट्स भी करके एक दफा कहा जाता है। सबसे पहले इस साइड पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब है कि आपके पास इतने पैसे पहले से मौजूद हैं, तो हम देखते हैं प्रीमियम में हमारे पास कितने अमाउंट पहले से पड़ी हुई है। प्रीमियम में आपके पास पहले से जो अमाउंट अवेलेबल है कितनी दी हुई है, 1140, यहाँ पे लिख लूंगा मैं क्राइट साइड पे 1140, उसमें मुझे प्रीमियम इंक्रीज करनी है, कितनी बनानी है मुझे प्रीमियम, 1468, मुझे बताएं 1468 प्रीमियम चाहिए शवाल, और मेरे पास प्रीमियम पड़ी हुई कितनी, 1140 की, तो मुझे प्रीमियम इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है, वेरी गुड, कितनी इंक्रीज होगी, 1468 माइनस 1140, 328, इसकी एंट्री पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 328 से, ये भी जो एंट्री पास की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी अकाउंट है, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है। व्हाई, यू आर टेकिंग आउट सम अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड यू आर पुटिंग इट इन द प्रोविजन अकाउंट, तो प्रोविजन की बास्केट में पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज इट्स ए लाइबिलिटी अकाउंट और वो इंक्रीज हो रही है तो पे रही है। ठीक है, तो इन प्रोविजन डाउटफुल डेट्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा इसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, इसका हम टोटल कर लेंगे जी, और ये आपका टोटल जो है वही आ जाएगा कितना, 1468, 1468 आ जाएगा आपका, और ये हमारा आ जाएगा इधर कैरेट डाउन। और याद रखिएगा कैरेट डाउन जब आप लिखते हैं साथ साथ आप बना रहे हैं, उस पर आपको ब्रॉट डाउन भी लिखना है साथ, क्योंकि तो ब्रॉट डाउन के बगैर आपके नंबर जो है वो मार्क्स उसने आपके काट लेने हैं, उसने कहा है जिनका ब्रॉट डाउन आता है वो आपको लिखना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवर का नहीं लिखा गलती से, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 3670, उसके बाद तुमने कैलकुलेट किया ना। नेक्स्ट कहते हैं जी कि आपने बनाना है, अब क्या बना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये बैलेंस शीट में आप कैसे शो करेंगे, बड़े आसान है, बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे बेटा, हम लिखेंगे
हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, या ट्रेड रिसीवेबल जो आपके साल के एंड के हैं कितने है बेटा, 36700, यही थे ना। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कितनी थी आपकी 1468, ये माइनस कर दें, ये अमाउंट जो है आप लिखेंगे, बताइए जी क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल 36700, उसमें से माइनस कर देंगे 1468 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स बाकी जो है वो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। करंट एसेट सेक्शन, करंट एसेट सेक्शन के ऊपर लिख देते हैं हम। करंट एसेट सेक्शन में आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, उसमें से प्रोविजन माइनस करके लिखेंगे, तो आंसर आपका आएगा 3 माइनस करना है, माइनस करना है गलत, लिखा 3523, 3523 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये अब आपके नेट ट्रेड रिसीवेबल है तो आपके पास इस वक्त मौजूद है 3523। जी, 36700 माइनस 1468 3523। जी, यानी कहता है लिस्ट द थ्री वेज इन विच पीजी कुड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इनरिकवरेबल डेट्स। तीन वेज बताएं कि आप अपने बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर सकें। एक तो ये स्टार्ट सेलिंग मोर ऑन क्रेडिट, दूसरा यू कैन गिव डिस्काउंट टू कस्टमर्स सो दैट दे मे पे अर्ली विदाउट बैड डेट्स, फिर तीसरा यू कैन टाइटन योर क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करें, एडमिन डिपार्टमेंट जो है दैट शुड वर्क एफिशिएंटली, यू कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिन डिपार्टमेंट, यू कैन स्टार्ट सेलिंग मोर ऑन क्रेडिट, और यू कैन स्टार्ट सेलिंग मोर ऑन कैश, आई एम सॉरी, यू कैन स्टार्ट सेलिंग मोर ऑन कैश, बिकॉज इफ यू सेल मोर ऑन कैश देन ऑब्वियसली यू विल अवॉइड बैड डेट्स, बिकॉज जो क्रेडिट पे सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। स्टार्ट सेलिंग मोर ऑन कैश, फिर ट्राई टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर एडमिन डिपार्टमेंट, टाइटन योर क्रेडिट पॉलिसी, और गिव डिस्काउंट टू ट्रेड रिसीवेबल टू अवॉइड बैड डेट्स, अर्ली डिस्काउंट देने ताकि वो जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करें और उससे बैड डेट्स हमारे कम हो जाए। स्टेट टू फैक्टर्स पीजी लिमिटेड शुड कंसिडर व्हेन सेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को सेट करते वक्त, उसमें आपके हैं जी प्रीवियस ईयर बैड डेट्स, प्रीवियस ईयर बैड डेट्स हैं, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट पॉलिसी, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये सब हम चीजें प्रीवियस ईयर बैड डेट्स हैं, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल है, क्रेडिट पॉलिसी देखते हैं कि हमारी क्या है, और इकोनॉमिकल फैक्टर्स मुल्क के क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता ही आसान आजकल क्या हुआ है, आपको दिल करेगा इसको क्रेडिट पे सेल करो, या प्रवीण के परसेंटेज कम रखोगे ज्यादा ज्यादा रखोगे, क्योंकि इकोनॉमी का हाल इतना बुरा है किसी को पैसे उधार पे दें तो पैसे मिलने के चांसेस कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं काफी, प्रवीण की परसेंटेज ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल फैक्टर या इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वो बता रहा हूँ, वो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने लेना है बेटा, इसको मैं बता दूँ, पार्टनरशिप का सवाल है, सिंपल आपने बनाना है अप्रोप्रिएशन का, और सिंपल सवाल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 3%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इशू ये है कि आपने ड्रॉइंग साल में दो दफा की, एक आपने ड्रॉइंग की है साल के स्टार्ट में और एक आपने ड्रॉइंग की है 6 महीने बाद, तो आपको ड्रॉइंग पर जो इंटरेस्ट लेना है वो दो दफा लेना, और टोटल ड्रॉइंग्स आपकी श्याम श्याम की कितनी होगी बेटा 14,000, और उसकी कितनी होगी बेटा 22,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे आप बेटा, 8,000 पे आप निकालेंगे कितने परसेंट, 3% पूरे साल का, और प्लस 6,000 पे आप निकालेंगे 3% इंटू 6/12 6 मार्क। इसी तरह दूसरे का भी 10,000 पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे 3% फुल ईयर का, और प्लस 12,000 पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे 3% कितने मार्क का, 6/12 6 मार्क का, इनको ऐड करके आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। असल में ड्रॉइंग एक हमने दी है साल के शुरू में, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा,
एक आपने 6 महीने बाद ली गई, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ अक्टूबर से